ये जो कल हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है, तो इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि नोट करें आप इसको अपनी कॉपी में। एक सॉसपैन पात्र, सॉसपैन का मतलब पात्र, मैं 18 ग्राम ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला भी दिया गया है, को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, ये दाब है। यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केबी का मान इसमें दे रखा है इतना। बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा इसमें देखना है। तो हम इसको हल करते हैं। हल तो इसमें जो है दो चीजें हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं इस तरीके से। मान लीजिए एक ये है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ये वाटर है, ठीक हो गया। इसमें जो है 18 ग्राम ग्लूकोज को, इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को डाला गया, और ग्लूकोज जो है आपको पता है कि ये एक अवाष्पशील विलेय है, ठीक हो गया। इतना तो आप जानते ही हैं, एक अवाष्पशील विलेय है। ये एक अवाष्पशील विलेय है, यानी इसकी वाष्प नहीं बनेगी। तो ये जो है इस तरीके से, अब इस पर हम आगे बात करते हैं कि क्या होगा इसमें। तो अब यहाँ पर दो चीजें हो गई, पहले जल हुआ उसके बाद विलयन हो गया, ये मैं विलयन कह रहा हूँ, और उससे पहले जल। तो हम विलयन के क्वथनांक की भी बात करनी है और जल के क्वथनांक की बात। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि आपको मालूम है ना। तो हम इसको केल्विन में बदल लेते हैं, मान लीजिए 100 + 273.15 करके 373.15 केल्विन में ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 273.15 हमने ले लिया इसमें, और इतना केल्विन में ये जल का क्वथनांक हो गया। ये हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है उबलता है, इसलिए हमको पहले से पता है इस चीज़ का, तो हमने इसको इसमें बदल लिया, ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हैं हम कि जल किस ताप पर उबलेगा? तो अब जब हम विलयन के क्वथनांक की बात करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमको पता है कि यदि मैं एक वो लिख लेता हूँ कि यदि किसी विलायक में, ये पहले से मालूम है हमें, यदि किसी विलायक में, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, तो जो है क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है यहाँ पे। और क्वथनांक में वृद्धि जो है, इस वृद्धि को हम लिखते हैं डेल्टा टी बी, इस वृद्धि को क्या लिखते हैं, डेल्टा टी बी। अब ये जो डेल्टा टी बी है हमारा, ठीक है, डेल्टा टी बी बराबर हमारे पास होता है T2 - T1, T2 - T1, डेल्टा टी बी माने क्या होता है, T2 - T1, मतलब क्योंकि ये अंतर होगा ना दोनों के बीच में, जो क्वथनांक बढ़ेगा तो ये तो T2 क्या हो जाएगा, ये विलयन का क्वथनांक हो गया, T2 बराबर क्या हुआ, विलयन का क्वथनांक हो गया, T2 बराबर क्या हुआ, विलयन का क्वथनांक। समझ रहे हैं आप, चित्र के माध्यम से समझिए इस क्वेश्चन को। और T1 बराबर क्या हो गया, जल का क्वथनांक हो गया, जल का क्वथनांक हो गया, ठीक हो गया।
फॉर्मूला समझ में आ गया। यहाँ पे पहले जल था, तो जल उस जल का क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था, और जल में ये मिला दिया तो क्वथनांक कुछ बढ़ गया। वो बढ़ा हुआ क्वथनांक ही हमें जो है यहाँ पे निकालना है, उसी की बात अभी हमको करनी है कि कितना होगा, उस पर हमने बात कर ली है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो डेल्टा टी बी होता है हमारा, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी, बराबर होता है के बी और डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा, यहाँ इसको मैं किलोग्राम में ही व्यक्त कर रहा हूँ अब, तो ये हो जाता है डब्ल्यू ए, यहाँ पर इसको किलोग्राम में व्यक्त किया है, ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा टी बी निकालने का। ठीक है, डेल्टा टी बी निकालने का ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो है वो है हमारे पास, क्या हो गया इसको, सबसे पहले डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान हो गया, ये तो विलेय का द्रव्यमान बराबर, विलेय क्या है, कम है 18 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान 18 ग्राम है, ग्लूकोज है हमारा विलेय, ऊपर से दिखाई दे रहा है। और डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए जल है हमारे पास और उसका है 1 किलोग्राम, तो इसको 1 किलोग्राम ही रखना है। और एम बी क्या है हमारे पास, अब एम बी ये विलेय के लिए हुआ, यानी किसके लिए, C6H12O6, इसको निकालना आपको आता है, तो मैं आज इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये होगा आपका 180 ग्राम, यहाँ मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 180 ग्राम, आप निकाल लेंगे, आप निकालेंगे उसको, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आप डेल्टा टी बी का वैल्यू निकाल लो, और के बी भी दे रखा है आपको, के बी दे रखा है आपको 0.52 है ना, किलोग्राम केल्विन पर मोल, किलोग्राम केल्विन पर मोल, मोल इन्वर्स कर लीजिए, पर को हटा दीजिए, मोल इन्वर्स, ये आपका के बी का वैल्यू है। तो अब इन सब को रखना है आपने इसमें डेल्टा टी बी निकालने के लिए। डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, के बी यानी 0.52 हो गया, गुणा गुणा कितना आएगा 18 बट्टे 180, 18 बट्टे 180, हो गया। और आपका आगे क्या हुआ फिर, गुणा एक हो गया, अब ये गुणा 1 हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, यहां से कैलकुलेट कर लेना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 18 हो गया, ये 18 दशांश आ गया, बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया हमारे पास 0.52 बटे 10, तो एक जीरो और चला जाएगा इसके ऊपर, डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा 0.052। अब ये किस में आएगा, केल्विन में आएगा, कैसे आएगा केल्विन में, इसका मात्रक क्या था, इसका मात्रक था आपके पास किलोग्राम न केल्विन किलोग्राम, इसका मात्रक था केल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स था, ठीक हो गया, 180 ग्राम प्रति मोल था ये, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया और ये किलोग्राम था यहाँ पे, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये था आपका, इसके मात्रक ग्राम मोल होता है, ये भी मोल है ना, किलोग्राम मोल भी कह सकते हैं आप इसको, तो इस तरीके से ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपके, क्या बच जाएगा, ये केल्विन बच जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास डेल्टा टी वी निकल करके आ गया। ठीक है, अब हमें बिलियन का क्वथनांक चाहिए, हमें क्या चाहिए, T2 चाहिए आपको ये, तो T2 निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप हमारे पास ये है ना, डेल्टा टी बी बराबर T2 माइनस T1, ये वाला फॉर्मूला है। डेल्टा टी बी के वैल्यू कितना आया आपके पास, 0.052 आ गया, बराबर T2 तो आपको निकालना है, और माइनस कितना आ जाएगा, ये 373
पॉइंट 15 ये आ गया 373.15। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो T2 बराबर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे भाई, ये क्या हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052, ये हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम थोड़ा सा और बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये हो जाएगा आपके पास 373.202 केल्विन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये यानी जो विलयन होगा उस विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, बढ़ गया ना, पहले वाले जब पानी का क्वथनांक कितना था, ये बड़ा हुआ क्वथनांक है आपके पास, पानी का क्वथनांक कितना था 373 पॉइंट, यहाँ निकाला हमने ऊपर 373.15 था यहाँ, और इधर ये कितना आया 373 पॉइंट, ये इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे थोड़ा सा कैसे निकालना है आपने इसको। तो इससे पहले जो है उसको थोड़ा सा, वो जो कल की क्लास थी वो मिस हुई ना आपकी, तो उसलिए थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा करिए, वो जो वीडियो है उसको देखेंगे एक बार, तो कल की क्लास भी आपको समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। तो इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं आपको, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो एक आध और करेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी इसमें। तो अगला क्वेश्चन हम फिर जो है दूसरा इसी टाइप का करते हैं, अब इसको देखेंगे ध्यान से, फिर क्वेश्चन को आप जो है फिर से रिनोट कर लीजिए, नोट कर लिए पहले इसको, इसमें आ जाएगा इस सीरीज का प्रश्न 2 हो जाएगा ये। क्या है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन में दे रखा है, 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का आप C6H6 रखेंगे, मैं घोलने पर बेंजीन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, बेंजीन के लिए केवी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। C6H6, तो C6H6 का क्वथनांक ये आपका विलायक है ना, द्रव है, विलायक है, ये ठीक है विलायक है, क्योंकि 90 ग्राम लिया गया है तो विलायक है। तो बेंजीन का क्वथनांक इसको माना जाएगा T1 मानते हैं हम इसको, तो T1 बराबर हो जाएगा ये 353.23 केल्विन, ठीक है। इसके बाद जब वो मिलाया इसमें वाष्पशील ये पदार्थ तो बढ़कर इतना हो गया, तो अब हम क्या कह सकते हैं, बिलियन का कह सकते हैं, यानी बिलियन में कह सकते हैं या बिलियन का क्वथनांक कह सकते हैं आप। यहाँ पर T2 बराबर कितना हो गया 354.11 केल्विन। अब हम निकाल सकते हैं क्वथनांक में वृद्धि, अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, क्वथनांक में वृद्धि आसान है, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो क्वथनांक में वृद्धि को तो हम डेल्टा टी वी कह रहे हैं, तो डेल्टा टी वी बराबर हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1 हो गया, निकाल लेंगे आप डेल्टा टी वी यहाँ से, डेल्टा टी वी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 354.11, इसमें से माइनस करना है आपने 353.23 केल्विन में, तो इसको निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, ये निकल करके आपका कितना आ जाएगा, इसको निकालिए, हल करिए इसको जो है, घटाएंगे तो आ जाएगा 0.88 केल्विन, 0.88 केल्विन हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.88 केल्विन आ जाएगा ये। तो ये आ गया आपका डेल्टा टी वी, यानी 353 था, इतना ग्राम हमने अवाष्पशील विलेय में लाया तो क्वथनांक में वृद्धि इतनी हो गई। अब हमारे पास यहाँ से सूत्र होता है, हमारे पास सूत्र ये होता है डेल्टा टी वी बराबर होता है हमारे पास के बी डब्लू बी है ना, तो इसको लिखिए क्वेश्चन को, डब्ल्यू बी बट्टे
हमारे पास होता है एम बी विलय का, और यहाँ होता है हमारे पास 1000 और बटे होता है डब्ल्यू ए, इसको हम जो है ग्राम में लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर हम इसको ग्राम में ले रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है किलोग्राम में हो गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान, यानी हमें क्या निकालना है, एम बी निकालना है। तो इस फॉर्मूले को हम पलट देते हैं, तो एम बी बराबर हो जाता है हमारे पास इस तरीके से के बी गुणा डब्ल्यू बी, ऐसे ही रहेगा बट्टे यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी बी, यानी जब ऐसे होता तो इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, हमने क्या किया इसको यहाँ ले गए आप और इसको आप यहाँ ले गए शॉर्ट में ऐसे करके, तो डब्ल्यू बी गुणा कितना हो, बाकी वैसे ही रहा 1000 रहा और बट्टे रहा कितना डब्ल्यू ए। अब इन वैल्यूज़ को आप इसमें रख देंगे, जब इन वैल्यूज़ को आप इसमें रखेंगे तो आपको यहाँ से आंसर फिर प्राप्त होगा। तो देखते हैं क्या होता है, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ से आगे, हम इसको इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। के वी की वैल्यू है आपको दी गई है 2.53, या इनको लिख लेते हैं, यहाँ वैल्यूज़ को लिख लेते हैं फिर। के वी बराबर हमारे पास है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये है। डब्ल्यू बी हमको दे रखा है, क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मिलेगा 1.8 ग्राम। डब्ल्यू ए आपको दिया गया है, डब्ल्यू ए आपको दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो 90 ग्राम दिया गया है, और एम बी आपको निकालना है इसमें। डेल्टा टी बी आपने निकाल लिया है ऊपर, ये रख ये है डेल्टा टी बी तो हमें मालूम ही है, अब इसमें आप रख दीजिए। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2.53 गुणा डब्ल्यू बी 1.8 गुणा 1000 बट्टे बट्टे हो जाएगा क्या डेल्टा टी बी, यानी 0.88 गुणा डब्ल्यू ए कितना है 90 ग्राम। ठीक हो गया, तो अब इसको काटने का प्रयास करेंगे आप जब, तो यहाँ से क्या करना आपने, 18 पंचे 90 होता है तो ये 5 बार काटता है यहाँ से, इसको 18 बना लीजिए। इसको 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक शून्य गायब करना पड़ेगा आपको, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम बी, थोड़ा तरीका भी बता देता हूँ आपको एम बी। तो 2.53 था गुणा, अगर इसको आप 18 करते हैं तो गुणा आप इसको यहाँ पे सॉरी करेंगे, एक शून्य कट गया इसको वो करने में, बट्टे हो जाएगा 0.88 गुणा 90, 18 कम 18, 18 पंचे 90। सॉल्व करिए इसको, जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, अभी हमने सॉल्व किया था 58 ग्राम, इसकी वैल्यू आ जा रही है 58 ग्राम, तो जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो 58 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सीखते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर यदि मैं एक ग्राफ बनाऊं, किसमें ग्राफ बनाऊं, ये वाष्पदाब का ग्राफ बनाएं यदि हम, ये वाष्पदाब है और ये जो है आपका ताप है, इसके बीच हम ग्राफ रखें, तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली जो लाइन होती है सबसे ऊपर, इसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, इसको आप क्या कहते हैं वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ये वायुमंडलीय दाब होता है ऊपर वाला, ये वायुमंडलीय दाब है यहाँ। तो होता क्या है, जो आपका बेंजीन था, यदि मैं बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, मान लीजिए बेंजीन का वाष्प दाब ये है, तो ये इस तरीके से ग्राफ गया ऊपर, तो ये हो गया आपका C6H6 का ग्राफ हो गया। अब यहाँ से आप इसको नीचे मिलाएंगे, यहाँ इस लाइन में, यहाँ ताप लिखा हुआ हमने, ताप ऐसे बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा T1 इसका, जो कितना था 300, ये था ये T1 जो हम बात कर रहे हैं ये वाला, ये यहाँ आ जाएगा। अब आपने इसमें विलय मिला दिया तो इसका वाष्प दाब घट गया, वाष्प दाब यहाँ आया, तो फिर जब आपने इसको गर्म किया तो इसका जो है इस तरीके से चला गया, और यहाँ पर ये आपका यहाँ चला गया T2 हो गया, जो ये T2 था आपका जो है 354.11 वाला जो था, ये इतना T2, इनके बीच का जो डिफरेंस था वही डिफरेंस आपको क्या मिला, इनके बीच का जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस हमें कितना प्राप्त हुआ 0.88, यही डिफरेंस 0.88 है जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं।
थोड़ा समझे होंगे इस चीज को, क्यों? क्योंकि वाष्प दाब जो होता है जब किसी विलयन में, आप जो है ये विलयन हो गया, फिर नीचे ये जो है नीचे ये वाली लाइन विलयन को दिखा रही है, ये विलायक को दिखा रही है, क्योंकि वाष्प दाब घटता है। वाष्प दाब कब घटता है? जब किसी विलायक में आप कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। ये हम जो है ऐसा पढ़ते हैं और ऐसा होता भी है, इसको हमने आगे पढ़ा है। ठीक हो क्या? यहाँ तक तो बात ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप इसको जरा थोड़ा सा देखेंगे क्या है ये। हाँ, यहाँ पर आपके सामने कुछ चित्र आ रहे हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे इसमें पूरी तरीके से इसको, तो अब आप जो है आगे इसमें देखेंगे। ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इस चित्र को देखेंगे और समझेंगे। इस चित्र में क्या किया गया, यहाँ बर्फ पड़ी है, इधर ये जब तुम्हारा जो है यहाँ पे क्या है, ये बर्फ है, लेकिन ये रोड है, इस रोड पर बर्फ नहीं है। ठीक है, तो इस रोड पर बर्फ नहीं है, ये एक मशीन है। ये जो मशीन है, ये मशीन यहाँ पर, ये जो यहाँ मैंने लिखा है, क्या लिखा है, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, है ना, इतना आपको पता है, इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव ये मशीन कर रही है, और इस कैल्शियम क्लोराइड के छिड़काव से इसमें बर्फ नहीं जम रही है। ठीक है, तो बर्फ नहीं जम रही है। ठीक हो गया, यहाँ क्लियर होगी बात, इस वाले उसमें आपकी बात क्लियर होगी कि इसमें जो है कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है तो इसमें बर्फ नहीं जमती। तो ये जो वैसे ठंडे देश होते हैं वहाँ पर जब लगातार बर्फ गिरती है तो वहाँ पर ये सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं ताकि रोड पर बर्फ न जमे, इधर उधर बर्फ जमे। ठीक इस प्रकार रोड पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है, ये भी किसी विदेश से ही लिया गया चित्र है। जहाँ पर ठंडा वातावरण होता है वहाँ पर भी यहाँ पर ये NaCl का, या NaCl कह लीजिए, नमक के पानी का यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है, यानी नमक के जल का यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। दो एग्जाम्पल, दो चीज़ें आपके दिमाग में आई, एक ये और ये, दोनों चित्र आपके दिमाग में आए। एक जगह कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है और एक जगह NaCl का छिड़काव किया जा रहा है रोड पे, और इधर भी ये साइड में आपको बर्फ दिख रही है और लेकिन यहाँ रोड पे बर्फ नहीं है। तो ये NaCl क्या कर दे रहा है, बर्फ को क्यों नहीं जमने दे रहा है, इस ये क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों है। क्वेश्चन हमारे पास है कि बर्फ यहाँ पे क्यों नहीं जम रही है, जहाँ पर आप कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं या जहाँ पर आप NaCl का छिड़काव कर रहे हैं वहाँ पर बर्फ क्यों नहीं जम रही है, इस चीज़ की बात करेंगे। आगे जो तीसरा चित्र है, कार का रेडिएटर है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कार का रेडिएटर में, यहाँ पूरा छपा नहीं है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जा रहा है, एथिलीन इसमें जो है एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जा रहा है, ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल याद रखेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल इसमें मिलाया जा रहा है इस तरीके से। यार क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक करना पड़ेगा। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला हो गया। ये इस कार के रेडिएटर में ये हरा हरा सा ये सब होता है, ये जो है मिलाया जा रहा है। तो ये क्या करता है कि एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे कूलेंट भी, कूलेंट का भी काम करता है, और फिर ये इंजन में जो तेल होता है उसको जमने नहीं देता है सर्दियों में। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड जिस पर्पज से मिलाया जा रहा है यहाँ पर कि बर्फ न जमे, जिस पर्पज से नमक का छिड़काव किया जा रहा है कि बर्फ ना जमे, इसी तरह से इंजन के अंदर जब ठंडा होगा तो जो ऑयल है वो जमे नहीं, उसके लिए ये सब इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाया जा रहा है। तो इसके पीछे जो हम ये बात कर रहे हैं, इसके पीछे जो रीज़न है वो है हिमांक का अवनमन। क्या है? हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन मतलब, हिमांक का अवनमन से क्या मतलब है? हिमांक के अवनमन से मतलब ये है कि जिस ताप पर कोई बर्फ जमती है, यानी बर्फ कब जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब बर्फ जमती है उसका हिमांक गिर जाता है, मतलब उसका हिमांक क्या हो जाता है, और नीचे चला जाता है। जैसे CaCl2 मिलाने पर ये जो हिमांक है ये जो है आपका 30-40 डिग्री माइनस में नीचे चला जाता है, तब भी बर्फ नहीं जमेगी। NaCl मिलाने पर 60 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ नहीं जमेगी। उसी तरह से एथाइलिन ग्लाइकॉल जो है 32 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसमें जो है माइनस 32 डिग्री सेल्सियस तक भी ये नहीं जमेगा। तो हिमांक क्या हो गया? गिर गया। हिमांक का मतलब हो गया जमाव बिंदु। हिमांक का मतलब क्या है कि जमाव बिंदु, यहां से बर्फ जमना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं जमाव बिंदु, उसको बोलते हैं हिमांक।
ठीक है, वो हिमांक क्या हो गया, घट गया, हिमांक क्या और नीचे चला गया, बर्फ पड़ रही है कहीं और रोड में कार्बन कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाए, तो बर्फ जो है वो उस इलाके में जहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड होगा वो नहीं जमेगी, यानी कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पर बर्फ को जमने नहीं देगा। क्यों नहीं जमने देगा, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही बर्फ के साथ मिक्स हुआ उसने विलयन बनाया और उस विलयन के बनने के साथ साथ उसका हिमांक जो है गिर गया, तो उसका हिमांक जो है गिर गया। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे आज इस बिंदु पर, तो यहाँ से हमारे पास ये टॉपिक शुरू होता है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए इस पर हम जो है चर्चा कर लेते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट माने जमाव बिंदु, यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो ये क्या है कि हिमांक, हिमांक वह ताप होता है जिस पर, जिस ताप पर क्या है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, इसको ऐसा सो लिखें, वाष्प दाब ठोस अवस्था व द्रव अवस्था में समान होता है। ये तो इसके लिए डेफिनेशन हो गया कि हिमांक क्या है, हिमांक को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, कि हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में समान होता है। तो इतना तो इसको याद कर लीजिए आप जो है। अब क्या है इसके बाद, कि यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय या अवाष्पशील विलेय कह लीजिए इसको, ठोस को हम यहाँ पर विलेय इसके लिए कह सकते हैं, कि अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब, इसको इस तरह से लिखेंगे आप वाष्प को, वाष्प दाब कम हो जाता है। ये तो पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यदि किसी विलायक में आप कोई अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिस कारण से विलयन का हिमांक जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, विलयन का हिमांक घट जाता है। हिमांक में यह कमी, यानी हिमांक में ये जो घटता है हिमांक, हिमांक का अवनमन कहलाती है, और इसे हम डेल्टा टी एफ, इसको इस तरह से लिखेंगे डेल्टा टी और इसके नीचे एफ, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हिमांक के अवनमन को आप डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब हम जो है इसको फिर आप ग्राफ में समझते हैं कि भाई क्या है, ये देखेंगे यहाँ पर जो ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा है ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब ऊपर की तरफ, वाष्प दाब इंक्रीज हो रहा है इसमें और इधर ये ताप इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या है कि भाई ये जो बिंदु है आपका यहाँ पे, यहाँ से ये जमना शुरू हुआ ठोस, है ना, ये ठोस जो है इस तरह से जमना शुरू हुआ। तो जैसे ही आपने ये विलायक के, हम द्रव विलायक की बात कर रहे हैं, तो उसका जमाव बिंदु था ये, यानी जमाव बिंदु क्या था इसका, वाष्प दाब था अधिक, वाष्प दाब क्या था इसका अधिक। अब विलेय, विलयन, विलयन माने आपने इसमें एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया, यहाँ पर क्या मिला दिया आपने, एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया, कहाँ पर, यहाँ पर आपने एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया इसमें, किसमें, इस विलेय, इसमें जैसी अवाष्पशील विलेय मिला इसका वाष्प दाब घट गया नीचे, इसका वाष्प दाब आ गया यहाँ नीचे, ये इसका वाष्प दाब कहाँ आया, ये घट गया, इसका वाष्प दाब यहाँ आ गया। तो जहाँ पर इसका ये ठोस अवस्था में बदला, वो वाला ताप जो है वो क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर हमने इसको टी बी से प्रदर्शित किया है, इसको हमने किससे प्रदर्शित किया, टी बी से, यानी घट गया है, और ये टी ए से हमने इसको प्रदर्शित किया है, ठीक हो गया, यहाँ हमने इसको टी ए से प्रदर्शित किया है, यहाँ हमने इसको टी बी से प्रदर्शित किया, और इनके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमने क्या कहा, टी एफ, टी एफ, यानी अब यहाँ पर पहले वाले में ये चीज़ बढ़ रही थी, उन्नयन में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ घट रही है। जब आप किसी उसमें विलेय में अवाष्पशील विलेय मिला रहे हो तो ये चीज़ घट रही है, अवाष्पशील मिलाएं, हम वैसे अवाष्पशील विलयन की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं तो जो है ये चीज़ क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ से ये इधर घट करके इधर आ गया, तो ये जो घटा यहाँ आपका, इनके बीच का जो डिफरेंस आया, ये जो बीच का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा टीएफ कह रहे हैं। तो जब डेल्टा टीएफ आपको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा यहाँ पर टीए, यानी ज़्यादा, टीए माइनस टीबी, टीए माइनस टीबी, ये हो जाएगा टीए माइनस टीबी। इस तरीके से हम डेल्टा टीएफ यहाँ से निकाल लेंगे। ये मेरे ख्याल से ये आ गया, ये विलयन का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है और ये विलायक का हिमांक है, कौन सा वाला, ये वाला जो ताप है आपका, यहाँ पर जो ताप है, ये ताप यहाँ से दिखा रहा, तो ये विलायक का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये वाला जो ताप है ये विलयन का हिमांक है, ये जो है विलयन का हिमांक है ये वाला। तो विलयन का हिमांक क्या हो गया, घट गया है, विलयन का हिमांक क्या हो, घट गया। अगर क्वथनांक की बात करेंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा, पीछे को आ गया,
यहाँ जो है ताप कम है, इधर को ताप ज़्यादा है, तो इस तरीके से हो गया। आइए अब इसको डिराइव करते हैं, आइए इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम इस तरीके से। अब हम कहते हैं, लिखते हैं इसमें कि जो हिमांक का अवनमन होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रयोगों के आधार पर लिख सकते हैं कि हिमांक का अवनमन यानी क्या, डेल्टा टी एफ बिलियन की हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ बिलियन की मोललता को दिखाते हैं स्मॉल एम से, के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, ठीक हो गया, स्मॉल एम हो गया। अब मोललता का फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि यदि हम क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यू बी ग्राम आपका कोई विलेय है, डब्ल्यू विलेय को आपने जो है डब्ल्यू बी ग्राम विलायक में घोला गया है, घोला है, इस तरह का विलयन आप बना रहे हैं, घोला है, और एम बी जो है विलेय का मोलर द्रव्यमान है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, तो जो मोललता होगी एम बराबर हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, डब्ल्यू बी बटे एम बी पहले पढ़ा है हमने, गुणा 1000 हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है डब्ल्यू ए, इसको ग्राम में व्यक्त कर सकते हैं आप, ठीक है क्या, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आप इसको रख सकते हैं भाई एम की जगह, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम या करके और लिख सकते हैं, इसके प्रोपोर्शन को हटा सकते हैं चिन्ह को, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं के एफ लिख सकते हैं, के एफ और एम, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पहला वाला जो समीकरण है हमारे पास इस तरह से हो जाता है आपका, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, और इसको रख देंगे आप यहाँ पर, आप क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी बट्टे एम बी गुणा 1000 बट्टे हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू ए, जो के एफ है हमारे पास, ये इस के एफ को हम बोलते हैं हिमांक का अवनमन स्थिरांक, यहां पर लिख देते हैं इनको सबको, डेल्टा टी एफ आपको पता है हिमांक का अवनमन हो गया, यहां से सबके बारे में एक एक बार फिर से लिख देते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर हो गया हिमांक का अवनमन हो गया, और डब्ल्यू बी हमारा हो गया यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान हो गया, विलेय का द्रव्यमान हो गया, और एम बी हो गया विलेय का अणुभार कह सकते हैं या मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं, विलेय का अणुभार कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, मोलर मास, इतने चीजें आगे डब्ल्यू ए भी लिख लेते हैं, डब्ल्यू ए हो जाता है विलायक का द्रव्यमान जिसमें भी दिया हो ये,
विलायक का द्रव्यमान, और उसको हमने किस में बदला है, किलोग्राम में बदला है वहां पे। अब आती है बात केएफ की, तो केएफ के जो नाम है वो अलग अलग नाम है इसमें। पहला नाम है इसका हिमांक का अवनमन स्थिरांक, ये कई नामों से आपको पूछा जा सकता है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, ठीक हो गया। हिमांक का अवनमन स्थिरांक भी इसे बोलते हैं क्योंकि हिमांक को घटाने की बात करी जा रही है। दूसरा नाम इसका है मोलल अवनमन स्थिरांक भी इसको बोलते हैं आप, मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक भी हम कहते हैं। फिर हम इसको जो है तीसरा इसका नाम है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक ऐसे भी लिखते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। तो ये इसके अलग अलग नाम है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ये जरा थोड़ा सा इस तरीके से ये इसके नाम है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। अब हम थोड़ा इसी के बारे में बात कर लेते हैं केएफ के बारे में, तो क्योंकि केएफ के बारे में कभी पूछा जा सकता है कि केएफ क्या चीज़ है, तो हम अब जो है आगे इतना अगर आपने इसको लिख लिया है तो अब हम बात कर लेते हैं केएफ, केएफ क्या है, केएफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केएफ यानी केएफ ये क्या है, केएफ तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि विलयन की मोललता वन यानी एक हो तो हिमांक का अवनमन यानी डेल्टा टी एफ मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर, मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। बराबर होता है मीन्स हमारे पास फॉर्मूला था ये डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। अब एम की वैल्यू तो हो गई वन भाई, एम बराबर हो गया वन, तो हमारे पास डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा, के एफ इंटू वन हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ हो जाएगा। तो ये ऐसे करके इसको जो है डिफाइन किया जाता है, इस तरीके से इसको डेफिनेशन इसका दिया जाता है। अब इसकी मात्रक की यदि हम बात करें, इसका मात्रक क्या होगा, यानी हम के एफ का मात्रक पूछ लेगा आपसे के एफ का मात्रक क्या है, तो कैसे हम के एफ का मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला लेंगे आप इस तरीके से, क्या फॉर्मूला लेंगे, जैसे कि हमारे पास डेल्टा टी एफ है बराबर हमारे पास होता है के एफ, और यहां हम लिखते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी लिखते हैं हम यहाँ पे, डब्ल्यू बी बटे एम बी, और गुणा हम लिखते हैं यहाँ पे डब्ल्यू ए, ठीक है, किलोग्राम में अगर मैं इसको किलोग्राम में ले लिया, तो डब्ल्यू बी इसको हम क्या लिख देते हैं, मोल में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एन, मोलों की संख्या बटे W A, इसको हम किलोग्राम में व्यक्त करेंगे। तो यहीं से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं, इसके नीचे वन मान लेंगे आप जो है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, आप आगे इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें के एफ निकालना, तो हमारे पास के एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एफ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसको आप निकालेंगे डेल्टा टी एफ गुणा W A बटे क्या हो जाएगा N, बटे एन हो जाएगा। तो भाई इनके रख दीजिए इनको डेल्टा टी एफ का, यानी मात्रक क्या हो जाएगा, इसको बराबर करके हम इसका मात्रक निकालें, तो डेल्टा टी एफ का मात्रक हो गया केल्विन भाई,
और डब्ल्यू ए का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, और बट्टे क्या हो गया, मोल, इसको मोल ही लिखते हैं आप। ऊपर गया मोल तो क्या हो जाएगा, के किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो भाई चाहे मात्रक तो दोनों का एक ही है, चाहे के बी का मात्रक की बात करें या के एफ के मात्रक की बात करें, दोनों का मात्रक जो है एक है। यह है मोलर उन्नयन स्थिरांक, यह है मोलर अवनमन स्थिरांक, दोनों के मात्रक एक ही हैं, और मात्रक इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना आप जो है इसको करिए, समझिए, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर पूछिए, इसको पूछिए, दोबारा बताया जाएगा, क्योंकि फिर जो इस तरह से हम क्लास रखेंगे, चालू रखेंगे, तो यदि आपको कोई इस तरह से होता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि इसको दोबारा बता दीजिए, आपको दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको करिए आप जो है, इसके बाद इसका रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ मैं, फिर इस क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे, इसमें इतना हम जो है इसको सॉल्व करें आज, ठीक है। तो आज की क्लास को हम जो है यहीं